नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गहलोत का पीएम मोदी पर आरोप, कहा इस वजह से जोधपुर में रैली रोड शो किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को जोधपुर में लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि मोदी मेरे से दुश्मनी रख रहे हैं और इस वजह से मोदी और अमित शाह दोनों ने जोधपुर में रैली और रोड शो किए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता साझे में नहीं जाएगी। राजस्थान में सोमवार को 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के भाग्य का फैसला भी ईवीएम में बंद हो जाएगा। पिछले सप्ताह अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जोधपुर में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कौन पिता अपने बेटे के लिए नहीं दौड़ता है, हर पिता बेटे के लिए दौड़ता है। मैं गलियों में घूम रहा हूं तो पीएम को क्या तकलीफ है। पीएम ने उन पर बार बार दिल्ली पर जाने का आरोप लगाया है, इसका मतलब पीएम उनकी जासूसी करवा रहे हैं। सीजीआई ने मोदी सरकार से कहा, मोदी साहब पर चुनाव आयोग ने नहीं लिया एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस सुनवाई कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस उच्चतम न्यायालय पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ 24 घंटे में फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाए। उच्चतम न्यायालय कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार तो हो गए। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा आदर्श आचार संहिता का कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने इस संबंध में न्यायालय में अर्जी दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि देव की याचिका पर कल मंगलवार को सुनवाई होगी। देव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंघवी ने आरोप लगाया कि मोदी और शाह ने आदर्श आचार संहिता का कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने शाह ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और निर्वाचन आयोग उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब ईमानदारी हो, साफ नियत हो तो बिना लूट खसोट वाली सरकार भी चल सकती है और देश का विकास भी हो सकता है। आज इसी वजह से पूरा देश पूरे विश्वास के साथ अपने इस सेवक अपने इस चौकीदार के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर उसके सहयोग में से कोई सरकार बनती है तो देशद्रोह का कानून हटा दिया जाएगा, यानी जो नक्सलियों को मदद देने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करना मुश्किल होगा। ये है कांग्रेस की सोच। बात चाहे पाकिस्तान के आतंकवादियों की हो या फिर घर में छुपे गद्दारों की, आपका ये चौकीदार किसी को नहीं छोड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, ये तय है कि जहां से भी हमें खतरा होगा वहां घुसकर मारेंगे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।